बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ वकार अली, आप देख रहे हैं मक्का प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट देता हूँ। इस बार थोड़ा लेट हो गया, 5-6 दिन लेट हो गया हूँ, थोड़ा बिज़ी हो गया था, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसीलिए आपको कोई प्रॉपर्टी की अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो अभी 240 स्क्वायर यार्ड का मैंने सोचा क्यों ना आपको रेडी करवा दूँ। इसमें ये 240 स्क्वायर यार्ड का है, शादी टाउन के अंदर। तो ये दिखा देता हूँ पूरा मकान, अंदर चलते हैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका कारपोच आ गया, ये एक सामने कॉमन वॉशरूम है, और ये 3 फीट की गली छोड़ी हुई है। इसके साथ साथ जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम का भी काम आप देख सकते हैं, छत का काम वगैरह। ये थोड़ा यूज़ हुआ हुआ मकान है, तो इसमें भी लाइट भी पता नहीं क्यों ब्रेकर वगैरह ख़राब हो गया, तो इसीलिए लाइट बंद हो गई है, तो अभी ऑन नहीं हो रही। ट्राई किया है लेकिन ऑन नहीं हो रही। तो अभी अंदर आपको दिखाता हूँ, ये इसका पूरा लाउंज हो गया, बिल्कुल ओपन लाउंज, बहुत ही खूबसूरत बड़ा। और इसका एक बेडरूम ये हो गया, ये बेडरूम हो गया। एक वॉशरूम को अंदर दिखा देता हूँ। थोड़ा लाइट नहीं है यार, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लाइट अभी क्या करूँ, कोशिश की है लेकिन ब्रेकर ख़राब हो गया है पता नहीं क्या। ये इसका किचन आ गया, किचन भी ब्लैक एंड वाइट में, बिल्कुल न्यू किचन बनाया है। हल्का सा यूज़ हुआ है मकान, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ये इसका बेडरूम हो गया, ठीक है। इसमें अलमारियाँ वगैरह सब बनी हुई है। वॉशरूम में थोड़ी अंधेरा है यार, वीडियो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, क्योंकि तकरीबन शादी टाउन में ऐसे ही घर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं एक बेडरूम, उसके सामने ये अलमारी है, क्योंकि रोशनी कम होने की वजह से ना, मैं आपको मुझे भी दिखाने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जो है वो दिखा दूँ। चलो फिर ऊपर चलते हैं, मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे आपको शादी टाउन में प्लॉट्स भी चाहिए, घर भी चाहिए, 120 240 400 गज़ के मकान सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, सेल परचेज़ और रेंट के लिए भी। ये सीढ़ियों के नीचे 3 फीट की गली हो गई, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको विज़िट करवाता हूँ। छत पे चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे तकरीबन ऐसा ही बना हुआ है। इसमें ये देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है सीढ़ियों में भी। ये इसका टेरेस आ गया, ये ऊपर छत का काम, फोसलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी हुई हुई है। ऊपर थोड़ी रोशनी अच्छी है, फिर भी आपको अच्छा नज़र आएगा। ये देख लें, इसका पहले लाउंज आ गया, ठीक है। फिर अब चलते हैं ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का भी विज़िट करवा दूँ। सेम टू सेम जैसे नीचे बना हुआ है वैसे ही ऊपर बना हुआ है। तो ये इसका दूसरा कमरा हो गया, ये किचन, किचन भी आप देख सकते हैं। कॉल आ रही थी, उस पर थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। ये देख लें, ये बेडरूम हो गया एक, ये वॉशिंग एरिया हो गया, नीचे भी वॉशिंग एरिया बड़ा है, डबल वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम के यार अंधेरा हो रहा है, वैसे वॉशरूम अच्छे बने हुए हैं। अभी हम दूसरे कमरे में चलते हैं, दूसरे कमरे में भी आप देख सकते हैं अलमारियाँ वगैरह सब बनी हुई है, ठीक है। जैसे नीचे बना हुआ है सेम टू सेम ऊपर बना हुआ है। इसका भी वॉशरूम है, इसमें वॉशरूम में थोड़ी रोशनी है, जैसे वॉशरूम थोड़े छोटे हैं यार, ये एक डाउट है। तो अभी हम चलते हैं छत पे, छत पे भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। जिस भाई ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपको प्रॉपर्टी की इंशाल्लाह और भी ज़्यादा अपडेट दे रहेंगे। अभी किंग ग्रुप्स का भी माशाल्लाह मेंबरशिप ली हुई है, और उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह करीब अच्छी अच्छी आएगी, और अपडेट देते रहेंगे। जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पर तो सारे अपडेट देते रहेंगे। छत पे भी फ्लोरिंग वगैरह हुई हुई है। इसके अलावा साइमा ब्लास में घर चाहिए, रिमझिम ब्लास में भी घर चाहिए,
तो वहाँ पे भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब फिर से यही कहूँगा आपको, शादी टाउन, शादी गार्डन, गुलशन उस्मान, सचल सरमस टाउन, पीर अहमद जमा टाउन, कहीं भी प्लॉट चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।